तो अगर हम कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा है, लोग अपने घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। ऐसे में 40 डिग्री तापमान झेल रहे यूपी के कन्नौज में एक स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे, इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की अटेंडेंस तय करने के लिए एक अजब आइडिया निकाला है जिसका नतीजा रंग भी लेकर आया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल की एक खास तरकीब क्या है। गर्मी में ठंडा ठंडा कूल, इन छोटे छोटे बच्चों को और चाहिए क्या, पढ़ाई के साथ साथ ये मस्ती, गर्मी में ठंडक का एहसास इनके खिले चेहरे से खूब झलक भी रहा है। गर्मी की तपिश से बचाव का ये कूल आइडिया दरअसल यूपी के कन्नौज में एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल का है, जिन्होंने स्कूल के कमरे में ही पानी स्टोर कर उसे स्विमिंग पूल बना डाला। अप्रैल से ही गर्मी खूब सता रही है, खासकर बच्चों के लिए बेतहाशा गर्मी सही नहीं, इसलिए बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, जिसके बाद प्रिंसिपल साहब ने स्कूल रूम में ही स्विमिंग पूल बनाने की तरकीब निकाल ली ताकि बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल आएं और साथ ही स्विमिंग पूल में खूब मस्ती भी करें। स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि जहां इन दिनों इस इलाके में 38 से 40 डिग्री के बीच पारा चढ़ा हुआ है, ऐसे में स्कूल में बच्चों की संख्या बेहद कम हो गई थी, परिजन अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, जिसके बाद 2-3 दिन के लिए ये स्विमिंग पूल वाला प्रयोग किया गया तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। कन्नौज के उमरदा ब्लॉक में महसोनापुर गांव का ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई का ये स्कूल बेहतर जरिया भी है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ कई फन एक्टिविटीज भी कराई जा रही हैं। और तो और छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट तो इन बच्चों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए जरूरी भी है। जाहिर है इस वक्त गर्मी विकट है, हीट वेव परेशान कर रही है, ऐसे में स्कूल में बच्चों की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए स्कूल प्रिंसिपल का ये अजब गजब तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।